सभी विद्यार्थियों का एसवी चिल्ड्रन एकेडमी रावलामंडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। और जैसे कि लगातार आपको वीडियो दिया जा रहा है, कक्षा 12 विषय भूगोल, भूगोल और पॉलिटिकल के लगातार आपको वीडियो दिए जा रहे हैं। लगातार आप अध्ययन करते रहिए ताकि, और हमारा अध्याय आज पूरा हो जाएगा दूसरा, विश्व की जनजातियां। कम से कम 10 से 11 पार्ट हम विश्व की जनजातियों के बारे में पढ़ चुके हैं। तो विश्व की जनजातियां, और जनजातियों में हम कौन सी पढ़ रहे हैं, गौंड जनजाति। कौन सी? गौंड जनजाति। इस अध्याय में आपकी एस्किमो, घुसमैर और भील तीन जनजातियां पूरी हो चुकी है, लास्ट बची है। गौंड जनजाति के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं, लास्ट पार्ट है। आज हम पढ़ेंगे इनकी समाज व संस्कृति कैसी है, गौंड जनजाति की समाज व संस्कृति कैसी है, कैसा समाज है, कैसे रहते हैं, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा पहले वाली जितनी भी जनजातियां आपने बढ़िया तरीके से पढ़ ली, और मैंने आपको ज्योग्राफी में टारगेट दे दिया 100 में से 100 बढ़ाने हैं आपको, पॉलिटिकल 100 में से 100 और ज्योग्राफी 100 में से 100 का टारगेट लेके चलना। बहुत ही आसान, बड़ी इंटरेस्टदार दोनों सब्जेक्ट है। किसी के पास हिस्ट्री है तो और भी जबरदस्त है। तो तीनों सब्जेक्ट 100 प्लस में से 100 के 100 नंबर आ सकते हैं, बस आपकी थोड़ी सी मेहनत, लगन और विश्वास अगर होता है तो आप इसमें नंबर बना सकते हैं। देखिए, समाज और संस्कृति के रीति, तो समाज की बात करें तो सबसे पहली बात आती है, समाज पितर सत्तात्मक था। पितर सत्तात्मक का मतलब क्या होता है कि समाज का जो मुखिया होता था, परिवार का जो मुखिया होता था, वो हमेशा सबसे बुजुर्ग व्यक्ति यानी पिता हुआ करता था। कौन होता था? समाज पितर सत्तात्मक था, यानी पुरुष प्रधान था। किसकी चलती थी? पुरुष की चलती थी। पिता प्रधान था, पिता समाज में। उसके बाद में पिता की मृत्यु के बाद उसका पुत्र परिवार का मुखिया होता था। आपको पता है जब पिता की मृत्यु हो जाती है तो उसके पुत्र को परिवार की जिम्मेदारी संभाली जाती है। आ गया ना? तो एक पिता की मृत्यु के बाद उसका पुत्र परिवार संभालता है, इसका मतलब वो समाज कैसा हो गया? पितर सत्तात्मक। अगर माता प्रधान होती है, एक महिला प्रधान होती है किसी परिवार की, तो वो मातृ सत्तात्मक है। अब ध्यान रखना भाई, जिसके घर में माता की चलती है, औरतों की चलती है, वो मातृ सत्तात्मक होगा उसका परिवार, और जिस घर में पिता की चलती है, बुजुर्ग की, पुरुष की चलती है, वो परिवार कैसा होगा? पितृ सत्तात्मक परिवार होगा। ये दो बातें आप याद रखना, ठीक है। अब क्या होता है समाज में, देखिए इनमें विवाह, गौंड जनजाति में विवाह कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है सेवा विवाह। ये सेवा विवाह कौन सा होता है? सेवा विवाह होता है घर जवाई। नाम सुना है घर जवाई पढ़ना, कि जिस लड़की की, जिस लड़के के साथ शादी होगी, वो लड़का उस लड़की के घर पे आके रहेगा और उसके माँ बाप की सेवा करेगा, वो सेवा विवाह होता है। एक होता है विनिमय विवाह होता है, लड़की देना और लड़की लेना, ठीक है। अगर आपको लड़की चाहिए तो आपको उसके बदले क्या देनी पड़ेगी? लड़की देनी पड़ेगी। एक होता है हरण विवाह। हरण विवाह का मतलब होता है लड़की को भगा के ले आना। जैसे श्री कृष्ण जी रुक्मणी को भगा के लाए थे ना, और बाद में आके शादी की थी, और आपने एक सुना होगा पृथ्वीराज चौहान सुमिता को लेके आते हैं, उसको हरण विवाह यानी कहीं से जीत के लाना भी हो सकता है, या गगर विवाह हम कह सकते हैं। और एक और विवाह होता है, वो होता है विधवा विवाह। विधवा विवाह का भी प्रचलन था। तो ये चार प्रकार के गौंड जनजाति में क्या थे? विवाह प्रचलित थे। ये याद रखना, समझ में आ गया? परिवार, समाज और पितर सत्तात्मकता। पिता की चलती थी, पिता की मृत्यु के बाद उसका पुत्र परिवार संभालता, खास करके जो बुजुर्ग मुखिया होता था। चार प्रकार के विवाह प्रचलित है। कितने प्रकार के? चार प्रकार के। सेवा विवाह, विनिमय विवाह, हरण विवाह और विधवा विवाह, चार प्रकार के। इसके अलावा इन्हें क्या होता था कि ये कोई भी काम करते थे तो प्रकृति को साक्षी मानकर काम करते थे। प्रकृति को साक्षी मानते थे, शुद्ध मानते थे। कोई भी काम करना होता था तो प्रकृति, ठीक है। और किसी क्षेत्र में कोई उत्सव वगैरह मनाना होता था तो पहले वहां पे राम नाम का जाप किया जाता था, राम धुनी, ठीक है। हम कहते हैं ना, राम नाम का जाप किया जाता था, उस क्षेत्र को क्या किया जाता था? पवित्र किया जाता था।
अब इनको शादी करनी होती थी, या तो ये पवित्र जल को साक्षी मानेंगे, पवित्र जल को या आम के वृक्ष को साक्षी मानेंगे, आम के वृक्ष के चारों तरफ ये फेरे लेकर शादी करेंगे। इसको जब विवाह करेंगे तो पवित्र जल को साक्षी मानेंगे या आम के वृक्ष के नीचे इनका स्रोत मुख्य होता है। अब ध्यान रखना, इनका जो गांव का मुखिया होता है, गांव का मुखिया उसे पटेल कहा जाता है। गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? पटेल। गांव का मुखिया, जैसे हम गांव का मुखिया, हमारे गांव का मुखिया सरपंच होता है ना, वैसे ये क्या कहते हैं, पटेल या मुखादम, या क्या कहते हैं, पटेल या इसको मुखादम कहते हैं, मुखादम भी कहा जाता है। उसके अलावा जो गांव का चौकीदार होता है, गांव का जो चौकीदार होता है ना, उस गांव के चौकीदार को कोतवार के नाम से जाना जाता है। गांव के चौकीदार, गांव के चौकीदार जो होता है, गांव का चौकीदार उसको, वैसे तो हम तो कहते हैं कोटवार, वैसे तो होता है कोटवार, लेकिन हिंदी क्या निकल रहा है, कोतवार कह सकते हो या कोटवार कह सकते हो। गांव का जो चौकीदार होता है वो कोटवार होता है। वो कोटवार किसी भी प्रकार का हो सकता है, जरूरी नहीं कि वो एक ही जाति का हो। ठीक है, इसके अलावा देखो और क्या होता है। विवाह हो गया, प्रकृति को साक्षी मानते हैं, आम के वृक्ष हो गया, शुद्ध जल हो गया, गांव का मुखिया पटेल होता है, गांव का चौकीदार कोतवाल या कोटवार कहलाता है। इसके अलावा देखो, अगर इनमें कोई विवाद हो जाता था तो गांव में ही इनकी पंचायत निपटाती है। गांव में ही पंचायत क्या करती है, पंचायत बुलाई जाती है और विवादों का निपटारा होता है, विवादों का निपटारा। ठीक है, जाहिर सी बात है, पड़ोस में हो सकती है, दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा होता रहता है, हर आज तक होता है, होता रहेगा, होता है, होता है ना, पड़ोस में किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हो जाता है, या फिर किसी से और दोस्त बेली के साथ, या महिलाओं का महिलाओं से, पुरुषों का जमीन को लेकर कोई आपसी रंजिश से लेकर हो जाता है, गाली गलौज हो जाती है। तो जितने भी विवाद होते हैं वो सारे सारे निपटारे कहां जाते हैं, गांव में पंचायत निभाती है। जैसे हमारे गांव में आज भी कोई विवाद होता ना, तो छोटे स्तर पर निपटाते हैं, सरपंच को बुलाते हैं, राजीनामा करते हैं, सेम वो स्थिति थी गांव में, इनको निपटाया जाता था। तो ये ध्यान रखना। उसके अलावा गांव का जो पुजारी या पुरोहित होता था, कह सकते हैं मंदिर का पुजारी, पुजारी या इसको कहते थे पुरोहित, ठीक है, राजा महाराजा इनको पुरोहित कहते थे, उसको देबारी कहा जाता था। पुजारी को या जो पुरोहित होता था उसे देबारी कहा जाता था। ये धारणा वो अपनी भाषा में, जैसे अपने गांव में होते हैं अपने सीधे कहते हैं पंडित जी महाराज, पंडित जी कहते हैं, लेकिन इसको हम क्या कहते हैं, देबारी कहते हैं। पुजारी या पुरोहित को हम क्या कह देते हैं, पुजारी कह देते हैं। उसके अलावा जो गोंडियों की बोली है, द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है, गोंड जनजाति की जो बोली है वो द्रविड़ भाषा से संबंधित है, द्रविड़ियन, द्रविड़ियन भाषा है, उससे संबंधित है ये भाषा बोली जाती है। अलग अलग प्रकार की अलग अलग भाषाएं, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, तो खूब प्रकार की भाषाओं का अनुसरण किया जाता है। इसके अलावा देखिए और क्या होता है, जिसका संबंध तमिल या कन्नड़ से, क्योंकि दक्षिण भारत में यही ज्यादातर द्रविड़ भाषा, कर्नाटक महाराष्ट्र इन भाषाओं में, तो एक तो तमिल केरल है, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश, वह कन्नड़ से संबंधित है, यानी इनसे मिलती जुलती ये भाषा बोलते हैं, और गोंड जनजाति के लोग, एक गोंड, वैसे गोंड वास्तव में है क्या, हिंदू है, हिंदू है, इसलिए हिंदी भी बोलते हैं, बांग्ला भी बोलते हैं, तमिल भी बोलते हैं, कन्नड़ भी बोलते हैं, कई भाषाएं ये बोल सकते हैं, ध्यान रखना, तो इनकी कोई जरूरत नहीं है। अब बात आती है गोंड जनजाति क्या पढ़ी लिखी, तो देश में साक्षरता का बिल्कुल भी स्थान नहीं है, मैन के बराबर ये गोंड जनजाति पड़ी हुई है, और गोंड जनजाति की जो महिलाएं हैं ये तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ती, एज भी नहीं, यानी इनकी जो साक्षरता है वो नगण्य है। क्या है, नगण्य, कहने का मतलब इनकी गोंड जनजाति की महिलाएं नहीं पढ़ती है, अगर पढ़ते हैं तो थोड़े बहुत कुछ ही पढ़ते हैं, तो देश की साक्षरता में इनका बिल्कुल भी योगदान नहीं है। हालांकि धीरे धीरे अब सिस्टम ये बदला जा रहा है और धीरे धीरे मुख्य धारा में आने शुरू हो चुके हैं और गोंड जनजाति पढ़ने लगी है। आगे देखिए गोंड जनजाति की और बात है, थोड़ी सी संस्कृति वगैरह मुश्किल है थोड़ा सा, क्योंकि हम कभी पढ़ते नहीं है ना, पढ़ते नहीं है और हमने कभी इन जातियों के बारे में सुना नहीं है, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा देखो ये बहुत सारे उत्सव मनाते हैं, उत्सवों में गीत भी गाते हैं, नृत्य भी करते हैं, खूब सारे नृत्य करते हैं, गीत गाते हैं, उत्सव पर्व मनाते हैं, अलग अलग जनजातियों में अलग अलग पर्व होते हैं। ठीक है,
और ये सारे क्या करते हैं, पूर्णिमा। अब पूर्णिमा को क्या होती है, चांदनी रात होती है। पूर्णिमा को चांदनी रात होती है तो सारे इकट्ठे हो जाते हैं और वहां एक पूर्णिमा का उत्सव मनाते हैं। वहां फिर ये गीत गाते हैं, नृत्य करते हैं, इनकी कार्यशैली होती है, ठीक है। और इनकी जो गायक जाति होती है वो दुहिया। दुहिया कौन करते हैं, गायक जाति कौन सी होती है, गायक जाति तो दुहिया कौन, कौन सी दुहिया कौन होती है। अपनों में भी अलग अलग होती है, अपने सारे गा नहीं सकते। अपने में क्या होती है, एक जाति होती है जैसे माली ढाडी चमार, ये कई जाति है ऐसी जो गाती है, ठीक है। इसी प्रकार इनकी जाति कौन सी, दुहिया ये गाती है, ये गाती है कौन सी, याद रखना। उनमें जो गायक जाति है, गीत गाने वाली जाति, नृत्य करने वाले दुहिया गोंड होते हैं। इसके अलावा प्रधान गोंडों की मान्यता, जो प्रधान गोंड होते हैं वो क्या करते हैं, ऐतिहासिक वगैरह बातें बताते हैं, इतिहास के बारे में बताते हैं कि गोंडों का इतिहास क्या रहा, गोंडों का क्या पता है, इतिहास है। इसके अलावा क्या है, गोंड जनजाति। अब ये प्रधान क्या बताते हैं कि गोंड जनजाति का जन्म जिस भगवान के हुआ, उस भगवान भगवानों ने इनको छोड़कर चले गए, ये भगवान इनको छोड़ के चले गए और फिर पार्वती ने इनको शरण दी थी। पार्वती है महादेव की पत्नी, पार्वती ने इनको क्या की, शरण दी थी। लेकिन शंभू महादेव ने क्या किया, इनको कैद कर दिया। शंभू महादेव ने इनको एक गुफा में कैद कर दिया, गुफा में कैद कर लिया। फिर एक देवी आई, उस देवी ने इनको क्या किया, गुफा जंगूबाई एक देवी थी कपार लिंग्स ने देवी जंगूबाई की मदद से उन्हें गुफा से आजाद कराया, की मदद से गुफा से आजाद कराया। बात क्या होती है, इनके जो प्रधान गोड है ये बताते हैं कि इनके भगवानों ने जन्म देकर इनको छोड़ दिया, तब पार्वती ने इनको शरण दी, पालन पोषण किया, लेकिन शंभु महादेव ने क्या किया, इनको एक गुफा में क्या कर लिया, कैद कर दिया। तो एक कपारलिंग्स था, कपारलिंग्स ने क्या किया, देवी जंगूबाई की मदद से इनको छुड़ाया। अब छुड़ाया तो बहुत सारी इनकी देवी देवताएं हो जाएंगी, ये इनको मानने लगेंगे। तो इस तरह क्या हुआ, और उस गुफा से जब छुड़ाया तो उस गुफा से चार प्रकार के गोंड निकले, चार शाखाएं निकली, अलग अलग प्रकार की शाखाएं, उनको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब क्या है, इनका मनोरंजन का साधन क्या है, गोंड जनजाति मनोरंजन के लिए मुर्गों को लड़ाते थे। मुर्गों की लड़ाई देखिए क्या आपने, सांडों की लड़ाई, मुर्गों की लड़ाई, तो इनका सबसे ज्यादा मनोरंजन का जो खेल था वो आपस में मुर्गों को लड़ाते थे। कई फिल्मों में आपने देखा होगा कि फिल्मों में देखा होगा मुर्गों को लड़ाया जाता है, तो मुर्गों को लड़ाते थे। इसके अलावा इनके बड़ा देव शंभू महादेव और परसा पेन इनके प्रमुख देवता है। परसा पेन ये इनके क्या है, प्रमुख देवता है, ध्यान रखना। कौन कौन से, कोई बड़ा देव है, उसके अलावा एक शंभू देव है और एक है परसा पेन, इनके क्या है, प्रमुख देवता है, याद रखना बढ़िया तरीके से इसको। और फिर देखो शीतला माता है, छोटी माता, ये आप नॉर्मल बातें पढ़ लेना, शीतला माता पूरा छोटी माता इनकी देवियां हैं, शीतला माता और छोटी माता इनकी क्या है, देवियां हैं। जादू दोनों का प्रचलन है, प्रकृति पूजक विश्वास करते हैं और ये बड़ा देवता का नारा लगाते हैं और अंग्रेजों ने प्रतिबंध लगा दिया था, तो सारा सिस्टम है, प्रकृति प्रेमी है और ये कहते हैं कि आत्मा अजर अमर है, आत्मा अजर अमर है और इसलिए ये शव को जो मरने के बाद शव होता है उसका दहन करते हैं, जलाते हैं इसको व दफनाते हैं, ठीक है। इनका भी आत्मा तो चली जाती है तो इस शव का क्या कर रहे हैं, इसको जला दिया जाता है, दफना दिया जाता है। तो ये सारी इनकी क्या है, संस्कृति है। अब आधुनिक संस्कृति से इनका क्या संबंध है, तो ये तो सीधा ही बात है, आधुनिक संस्कृति से इनका क्या संबंध है। अब ये पहले तो शिकार करते थे, अब धीरे धीरे क्या करने लगे, खेती करने लगे, कृषि करने लगे, और अब इनको जैसे जैसे समय बदलता जा रहा है उद्योगों में इनको काम लगाया जा रहा है, जैसे खानों में, कारखानों में, कोयले की खानों में, खनिज निकालने वाली खानों में इनको लगाया जा रहा है, धीरे धीरे इनका विकास भी हो रहा है, जो आज की संस्कृति है उसमें भी पनपा जा रहा है। ये सारी होगी आपकी गोंड जनजाति। तो इस अध्याय को हमने पूरा कर लिया, एस्किमो, बुशमैन,
भील और गोंड चारों जनजातियां पढ़ ली। अब एक वीडियो में थोड़ी सी हम बात करेंगे क्वेश्चनों की, हालांकि पहले क्वेश्चन की भी बात कर ली पहले पार्ट की, दूसरे पार्ट में कुछ प्रमुख रूप से छोटे क्वेश्चनों की बात करेंगे। बड़े क्वेश्चन आप बढ़िया तरीके से पढ़ सकते हो तो उसमें एक क्वेश्चन की बात करेंगे, फिर हम तीसरे पार्ट में चलेंगे विश्व की जनसंख्या। तो धन्यवाद।